हेलो बच्चों, आज हम ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन सीखेंगे ड्राइंग में। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। ड्राइंग पेपर, स्केल, पेंसिल, कलर्स और कुछ शेप्स। हम कुछ भी ले सकते हैं, जो भी शेप्स हमारे पास हो। तो हम शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाना। सबसे पहले हमें ड्राइंग शीट पे बॉर्डर बनाना है स्केल से, जो हम हर बार बनाते हैं। ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। मैंने सर्कल लिया है, आप कहीं से भी डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। सर्कल करेंगे, एक और छोटा सर्कल लिया है, से यहाँ पे हम सर्कल करेंगे। यहाँ पे हम हाफ सर्कल कर सकते हैं। यहाँ पे भी हाफ सर्कल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक हाफ सर्कल किया है। हमें बॉर्डर के बाहर नहीं जाना है। अभी मैं ट्रायंगल बनाऊंगी। आप किसी तरह से भी आपके मनपसंद शेप में डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊंगी। ये एक्स्ट्रा है, मैं रब कर दूंगी। यहाँ पे भी हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाया मैंने एक। अभी मैं छोटे सर्कल्स यहाँ पे बनाऊंगी। यहाँ पे स्क्वायर बन सकते हैं। यहाँ पे एक सर्कल। हम कोई भी शेप, कोई भी साइज कहीं पे भी बना सकते हैं। इस तरह से हमारी ये ड्राइंग बन जाएगी। ओवरलैपिंग करके बनानी है हमें डिज़ाइन। ये होने के बाद हम इसे कलर करेंगे। कोई भी कलर ले सकते हैं। सपोज मैंने रेड लिया है, तो हमें कलर करते समय ध्यान रखना है लाइन के बाहर नहीं आना है। हम वाटर कलर भी कर सकते हैं, क्रेयॉन, पेंसिल, शेडिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से
हम एक दो कलर, तीन कलर, चार कलर, जितने कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमें हर बॉक्स में अलग अलग कलर करना है। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि कलर्स दूसरे कलर से अलग हो ताकि डिजाइन हमारी अच्छे से दिखे। अभी मैं ब्लू कर रही हूँ तो यहाँ पे रेड किया है तो यहाँ पे हम ब्लू करेंगे। कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से हम दे सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह से अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने ग्रीन लिया है। इस तरह से हर बॉक्स में, हर डिजाइन में, हर शेप में अलग अलग लाइंस के अंदर हमें कलर करनी है। अलग अलग कलर्स में आप शेडिंग भी दे सकते हैं। इस तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने करके रखा है। इस तरह से मैंने वाटर कलर का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हमारी डिज़ाइन और कलरिंग पूरी होने के बाद दिखेगी। तो आप इसे किसी भी शेप, किसी भी साइज में बना सकते हैं। थैंक यू।